हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस। वी आर स्टडिंग सब्जेक्ट साइंस ऑफ क्लास 7 एंड वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक एंड वी हैव कवर्ड टिल हेयर। ओके, वूल शिप से वूल जो हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट वूल फ्रॉम अदर एनिमल्स। जो अदर एनिमल्स में वूल मिलता है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो मार्केट में वूल जो है वो सिर्फ शिप से ही नहीं मिलते हैं, बहुत सारे अदर जो हैं सोर्सेज उनसे भी हमें वूल मिलते हैं, अदर एनिमल्स के से भी। तो सबसे पहला जो है वो हमारा है गोट। ओके, गोट से जो हमें वूल मिलते हैं, गोट्स वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम गोट हेयर। वूल जो हमें गोट हेयर से मिलते हैं। द अंडर फर और वूल ऑफ कश्मीरी गोट इज़ सॉफ्ट एंड वार्म। जो कश्मीरी गोट होती हैं उनके जो वूल होते हैं बहुत ही सॉफ्ट और वार्म होते हैं, और इनसे जो है पश्मीना शॉल बनाई जाती है। अंगूरा वूल जो है वो अंगूरा गोट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसके फर होते हैं उससे जो फाइबर प्रिपेयर होते हैं उसको मोहेयर कहते हैं। ओके, और ये सारी गोट्स जो होती हैं जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट इज अंगोरा रैबिट। ओके, अंगोरा रैबिट इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम सॉफ्ट वाइट फर ऑफ अंगोरा रैबिट। ये जो है सॉफ्ट वाइट फर जो है अंगोरा रैबिट के उनसे हमें मिलते हैं। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के वूल होते हैं। नेक्स्ट वन इज याक। याक जो होते हैं उनसे हमें ब्लैक और ब्राउन कलर के वूल मिलते हैं, और ये तिब्बत और लद्दाख में पाए जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज कैमल। कैमल के जो फर होते हैं वो भी यूज़ होते हैं एज अ वूल। और बक्ट्रियन कैमल जो होते हैं वो साइबेरिया या फिर मंगोलिया या चाइना में पाए जाते हैं ये ब्रीड। इनसे जो वूल मिलते हैं वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। नेक्स्ट इज लालमा या अल्पका। ये जो वूल एनिमल्स होते हैं ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये भी कैमिकल की फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनसे भी जो है बहुत ही सॉफ्ट लाइट वेट और बहुत ही फाइन क्वालिटी के हमें हेयर्स मिलते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिल्क। सिल्क इज़ अ एनिमल फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम कुकून ऑफ द सिल्क। सिल्क जो है एक एनिमल फाइबर है जो कि सिल्क वॉर्म के जो कुकून होते हैं उनसे हमें मिलता है। द फाइबर ऑफ सिल्क आर सॉफ्ट एंड लस्ट्रस एंड देयर फॉर इट इज़ कॉस्टली फाइबर। ये जो फाइबर होते हैं बहुत ही सिल्क और सॉफ्ट होते हैं, और देयर फॉर इट्स वेरी कॉस्टली फाइबर। ओके, सिल्क डज नॉट कंडक्ट हीट एंड इट इज़ अ गुड इंसुलेटर। सिल्क जो है वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं, और ये बहुत ही अच्छे गुड इंसुलेटर होते हैं हीट के। सो सिल्क क्लोथ्स कीप अ पर्सन वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। इसलिए जो सिल्क पहनते हैं लोग, तो वो जो लोगों को जो उनके क्लोथ्स होते हैं सिल्क क्लोथ, वो ठंड के टाइम में वार्म फील करते हैं, और गर्मियों के टाइम में उनको बहुत ही कूल फीलिंग आती है। और सिल्क को जो है हम क्वीन ऑफ फाइबर भी कहते हैं। हेयर यू कैन सी द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क। ओके, और इसको मैं अभी अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगी यहाँ पे। द फीमेल सिल्क मॉथ लेज टाइनी एग्स इन लार्ज नंबर्स ऑन अ मलबरी लीव्स। जो फीमेल सिल्क मॉथ होती हैं वो बहुत ही टाइनी एग्स को ले करती हैं, और जो कि मलबरी लीव्स जो होती हैं उनमें रहते हैं। देन दीज एग्स हैच। जब ये एग हैच होते हैं तो उनमें से लार्वा एग से बाहर आता है, जिसको हम कहते हैं कैटरपिलर्स आर सिल्क वॉर्म। ओके, दे फीड ऑन मलबरी लीव्स एंड ग्रो इन साइज। और ये मलबरी लीव पे ही ये इनकी जो है फूड उनका मलबरी लीव्स होता है, और ये साइज में ग्रो होते जाते हैं। नाउ दे आर रेडी टू इंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल। और ये रेडी होते हैं लाइफ साइकिल के नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। When a caterpillar or silkworm is ready to enter the next stage, जैसे ही caterpillar या silkworm ready होती है next stage में जाने के लिए, जिसे हम pupal stage कहते हैं, it stop feeding and its salivary gland secret a fiber around the pupa। और जैसे ही ये pupal stage में जाने वाली रहती है, ये feeding को stop कर देती है, और इनकी salivary gland से एक फाइबर जो है वो सीक्रेट होना शुरू होता है प्यूपा के चारों तरफ। ओके, दिस फाइबर इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड फाइब्रोइन। ओके, ये जो फाइबर होता है ये प्रोटीन का बना होता है, जिसे हम फाइब्रोइन कहते हैं, विच हर्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड फॉर्म अ कवर अराउंड अ प्यूपा। जो कि एयर के संपर्क में आने से बहुत ही हार्ड हो जाता है, और प्यूपा के चारों तरफ जो है वो कवर बनाता है। ओके, द कवर अराउंड द प्यूपा इज कॉल्ड कुकून। जो प्यूपा के चारों तरफ जो कवर होता है उसी को हम कुकून कहते हैं। तो प्यूपा ग्रो इनसाइड द कुकून। प्यूपा जो होते हैं वो कुकून के अंदर जो है वो ग्रो करते हैं। कुछ वीक्स के बाद जो है कुकून जो है वो ओपन होते हैं, और जो एडल्ट फ्लाइज होते हैं, एडल्ट मॉथ होते हैं, वो उससे बाहर आते हैं।
Now the next is sericulture. Okay, what is sericulture? The breeding and management of silkworm for the production of silk is known as sericulture. Breeding और management जो होता है silkworm का, जिससे silk produce होता है, उसको हम कहते हैं sericulture. इसके बहुत सारे steps हैं. पहला है, the egg of silk moth are stored on strips of cloth or paper and then they are sold to silk farmers. ये जो silk moth के egg होते हैं, इनको strip ऑफ क्लोथ या फिर पेपर पे इनको रखा जाता है और उसके बाद सिल्क वॉर्म फार्मर्स को बेचा जाता है. द फार्मर कीप एग्स अंडर हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सूटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. फार्मर्स इन एग को बहुत ही हाइजीनिक कंडीशन में और बहुत ही सूटेबल कंडीशन में, टेम्परेचर में और ह्यूमिडिटी में इसको रखते हैं. आफ्टर हैचिंग द सिल्क वॉर्म लार्वा आर फेड ऑन फ्रेशली चॉप मलबरी लीव्स एंड मेक देयर कोकून. ओके, हैचिंग के बाद जो है सिल्क वॉर्म लार्वा को जो है बहुत ही फ्रेशली चॉप मलबरी लीव्स प्रोवाइड की जाती है, जिसपे वो सर्वाइव करते हैं और वो अपने कोकून को प्रिपेयर करते हैं. ओके, और 8 days जो है वो पूरा प्रॉपर लेते हैं उनको प्रोसेस में. इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्पिनिंग ऑफ द कोकून. नाउ द थर्ड स्टेप इज फुल्ली ग्रोन कोकून आर सॉर्टेड डिपेंडिंग अपॉन देयर कलर, साइज, शेप एंड टेक्सचर. जो फुल्ली ग्रोन कोकून होते हैं उनको सॉर्ट किया जाता है, अलग किया जाता है डिपेंड उनकी साइज, कलर, शेप और टेक्सचर के अकॉर्डिंग. ओके, एंड दीज कोकून आर इमर्स इन बॉइलिंग वाटर. इसके बाद इनको जो है बॉइलिंग वाटर में जो है ट्रांसफ़र किया जाता है एंड एक्सपोज टू स्टीम विच किल्स द इंसेक्ट इनसाइड द कोकून. और इतना ज़्यादा इनको हीट दी जाती है ताकि इनके कोकून के अंदर जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, जो प्रिपेयर होते हैं, वो मर जाएं. ओके, उनको किल किया जाता है. द कोकून आर देन पुट थ्रू अ सीरीज ऑफ हॉट एंड कोल्ड इमर्सन एंड प्रोसेस कॉल्ड सॉफ्टनिंग एंड सिरिसिन. ओके, जो कोकून होते हैं उसके बाद इनको एक सीरीज में जो है पुट किया जाता है, जिसमें हॉट वाटर होता है, देन उसके बाद कोल्ड वाटर होता है. इस प्रोसेस को हम सॉफ्टनिंग और सिरिसिन कहते हैं. नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ अनवाइंडिंग सिल्क फिलामेंट फ्रॉम द कोकून. इसके बाद का जो प्रोसेस है, इसमें सिल्क फिलामेंट को जो अनवाइंड किया जाता है कोकून से, और इस प्रोसेस को कहते हैं रीलिंग द फिलामेंट. ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप है, मैनी फिलामेंट्स आर रील टुगेदर टू प्रोड्यूस डिजायर यार्न. और जो सारे फाइबर्स होते हैं उनको एक साथ रील किया जाता है ताकि इसमें जो डिज़ायर्ड यार्न्स हैं, अपने जो भी हम चाहते हैं उस तरीके से हम इनको प्रिपेयर कर सकें, इसी को हम कहते हैं थ्रोइंग. सिल्क फाइबर्स आर देन स्पन इनटू सिल्क यार्न विच आर यूज्ड टू वेव द सिल्क क्लोथ. अब उसके बाद सिल्क यार्न फाइबर जो है उनको स्पन किया जाता है, सिल्क यार्न बनाए जाते हैं उनसे, और उसके बाद उनसे सिल्क क्लोथ्स बनाए जाते हैं. स्टूडेंट्स, हेयर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर एंड नाउ द एक्सरसाइज पार्ट इज हेयर, इन विच एक्सरसाइज पार्ट ए, एक्सरसाइज पार्ट बी, एक्सरसाइज पार्ट सी यू विल कम्प्लीट बाय योर सेल्फ. ओके, इसमें से ए और बी आप सिर्फ बुक में करेंगे, सी आप कॉपी में करेंगे बाय योर सेल्फ, एंड डी शॉर्ट आंसर और ई वो मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. तो टिल देन स्टूडेंट्स, कंप्लीट योर चैप्टर्स, रिवाइज योर चैप्टर. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.